जी हम नमस्कार, क्रिएटिव सुपर 30 में आपका स्वागत है। सीक्वेंस सीरीज के पार्ट 2 लेके हम आपको आ गए हैं। पहला में आपको सीक्वेंस सीरीज को पहचानना सिखाए थे और आपने एपी के बारे में सीखा था, अब हम पहचानना सिखाएंगे और इसका SN और TN का फॉर्मूला निकालना सिखाएंगे। बुक के मेथड से कैसे करते हैं और हमारी मेथड से कैसे करते हैं, ये दोनों आपको यहां पर प्रूफ करके दिखाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप क्रिएटर सुपर टेक चैनल को देखते हैं तो विदाउट फॉर्मूला आप कोई भी मैथमेटिक्स को बना सकते हैं और एक मिनट के अंदर में बना सकते हैं। और अगर पूर्ण रूप से इस वीडियो को आपको देखना है तो हमारी ऐप है सरदार पटेल सुपर 30, उस ऐप को प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपका पूर्ण रूप से वीडियो मिलेगा। क्लासेज का थ्योरी क्लासेज आपको 50 मिनट का मिलेगा और काउंसलिंग क्लास 40 मिनट का मिलेगा और 30 मिनट का टेस्ट मिलेगा और प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा। आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर आप कर सकते हैं। और यहां पर हम तो 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसका जो मुख्य बातें है, समरी है, उसको हम लोग यहां पर देते हैं। आइए हमारा YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि एक ऐसा मैथमेटिशियन से आपका भेंट हो रहा है जो आपको विदाउट फॉर्मूला आपको सारे क्वेश्चन को बना सकता है, आपको लॉजिकली आपको विकसित कर सकता है, ब्रेन से आपको विकसित करवा सकते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स को बनाया जाए। तो यहां पर आप हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि TN बराबर जो आप AP में फॉर्मूला रखे हैं A+N-1 × D, बोलो यस या नो। और SN का फॉर्मूला N/2 2A+N-1 × D, क्लियर है? बोलो क्लियर है दोस्तों। अब हम कहेंगे कि TN बराबर, अब दोनों पर हम लोग काम करते हैं, पहले TN पर ही कर लेते हैं। अगर विद्यार्थी 10th क्लास के हैं, अगर विद्यार्थी कंपटीशन के हैं, अगर विद्यार्थी 11th के हैं, अगर विद्यार्थी 12th के हैं, NDA की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स जिसमें क्वेश्चन पूछता है उसकी अगर तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा और बिना देखे हुए बना देंगे। कैसे? यहां पर A है, A+D है, A+2D है, A+3D है, इसका डिफरेंस कितना का हो गया? DD डीडी का हो गया। बोलिए, तो आप रूल के अनुसार बनाते हैं तो क्या कहते हैं? पहला टर्म ए है, पहला टर्म तो ए लिखते हैं और फिर N-1 और इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। बोलो यस या नो। गौर से देखो मेरे दोस्तों, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है और यहां 20 है, .. है। तो अगर बुक के मेथड से बनाओगे TN बराबर, तो पहला टर्म क्या मिला? 2। और यहां पर N-1 डिफरेंस क्या? 5 में से 2 गया, आपकी आंसर आ गया 2 3N-3, यानी 3N-2-3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। करने आया कि नहीं आया? बोलो, करने आ गया सब लोगों को कि नहीं आया? अगर ये बाबा का मेथड करोगे, TN का फॉर्मूला मत रटो, TN का फॉर्मूला मत रटो, बाबा है ना, दुनिया की कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। गौर से देखिए डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस कितना का है जल्दी बताइए? 5। यहां पर डिफरेंस कितना का है? 3 का डिफरेंस, सॉरी 3 का डिफरेंस। आप 3N लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? N का वैल्यू 1 रखे तो 3 हो गया। बोलो यस या नो। अब इसको 2 करना है, 3 में क्या करोगे कि 2 हो जाएगा? माइनस हो गया जवाब। यही है बाबा की खासियत। TN बराबर क्या हो गया जल्दी बताओ? 3N-1। आया कि नहीं आया? बोलो। अगर जो विद्यार्थी 10th के हैं तो पूरी एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन देखते ही बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा TN बराबर जल्दी बताओ? 3N-2। और बुक से मेथड से बनाएगा तो क्या क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ? फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 3 और फिर TN का फॉर्मूला A+N-1 × D। तो A का वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? N-1, यहाँ 3N हो गया तो यहाँ पर 3N-3, तो 3N 1 में से 3 गया तो क्या हो गया जल्दी बताओ? यानी 3N-2। ये करने आया कि नहीं आया? सब लोग को आ गया? बोलो, करने आया कि नहीं आया? आया सब लोग को आ गया करने?
अब एक प्रश्न को जल्दी बताइए, हमारे पास समय की थोड़ी कमी रहता है, क्योंकि आप लोग का इतना प्यार है जिसके कारण हम इतना जो है मेहनत कर पाते हैं और वो प्यार बरकरार रहे। बताओ टीएन का फॉर्मूला डायरेक्ट बता दो, ये थ्री क्लास का एक बच्चा है, बताओ टीएन का फॉर्मूला जल्दी बताओ। सेवन एल माइनस करने आया, एक प्रश्न और बता दीजिए, एक प्रश्न और बता दीजिए। आइए हम लोग मिलते हैं, पांच है, आठ है, और यहां ग्यारह है, और यहां पर आपका चौदह है, यहां सत्रह है, डॉट 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 है। टीएन बराबर बताइए, अनीस पटेल जी है, मात्र थ्री क्लास के बच्चे हैं। हाँ, थ्री एन प्लस टू, क्योंकि यहां पर पांच करना था, करने आ गया। अब एसएन के बारे में हम लोग मिलते हैं, फिर हम लोग यहां पर जो है पार्ट बाय पार्ट करके मिलेंगे। ये एसएन के बारे में फॉर्मूला रटने का प्रयास आप ना करें, एन बाई टू, यहां पर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन का फॉर्मूला ये है कि नहीं है? एसएन बराबर क्या है फॉर्मूला जल्दी बताओ, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह फॉर्मूला आप मत रटे, यह फॉर्मूला आपको हम जो टेक्निक बताते हैं वो टेक्निक को ध्यान दीजिए। टीएन कैसे था, ए ए प्लस डी, फिर क्या था, ए प्लस टू डी, और यहां पर ए प्लस थ्री डी, यहां पर ए प्लस फोर डी, डॉट डॉट डॉट, यहां ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही था ना। ये फॉर्मूला क्या रटेंगे कि बाबा पर भरोसा है? अगर हम पर भरोसा है तो लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जीवन का एक ही मकसद है मैथमेटिक्स को कंसेप्चुअल लॉजिकली सबके पास हम पहुंचा सके। और पूर्ण रूप से वीडियो देखना चाहते हैं तो लेक्चर प्लानिंग के साथ हमारा ऐप है सरदार पटेल सुपर 30, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस के द्वारा ये संचालित है। आइए हम लोग देखते हैं, तो यहां पर एसएन बराबर आपको तीसरा टर्म देखना है, क्या टर्म देखना है, देख रहे हैं सब लोग तीसरा टर्म क्या है, और ये पहला टर्म देखना, तीसरा में से पहला टर्म घटा देना, वन बाई टू, कोई दिक्कत, ये वाला टर्म एक आगे बढ़ेगा, चीता बन जाओ, चीता बन जाओ, एक टर्म आगे, यानी a प्लस एन माइनस वन इंटू, और यहां पर a और ये n, बोलो यस है नो, तो ये टर्म पीछे घटेगा, यहां a और a माइनस डी, कोई दिक्कत, यानी वन बाई टू डी, यहां हल करेंगे तो a स्क्वायर, और यहां a एन डी माइनस ए डी, यहां से इसको हल करेंगे तो फिर ए एन डी और प्लस में एन डी स्क्वायर, एन एन में एन से गुना किया तो एन स्क्वायर, यहां डी स्क्वायर, एन स्क्वायर डी स्क्वायर, और इससे गुना होगा तो हो जाएगा एन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए डी, बोलो यस या नो, एडी एडी क्या हो जाएगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पीला पेन थोड़ा सा दिखता है, जबरदस्त दिखता है, वन बाई टू डी, वन बाई यह वाला टू एन डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो टू एन, और वहां पर अगर आपने एन डी स्क्वायर एन डी कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन, तो यहां एन माइनस वन एन माइनस, और देखो मेरे दोस्तों एनडी इसमें भी है, एनडी इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा, बोलो यस या नो, तो यहां पर एनडी कॉमन एनडी, तो यहां पर टू डी हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा टू ए और एन माइनस वन इंटू डी, अब डी से डी क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर है कि नहीं है, बोलो करने आया कि नहीं आया, आ गया, तो आपको समेशन में क्या करना है दोस्तों, केमा टर्म देखना है जल्दी बताओ, तीसरा, और क्या देखना है, फर्स्ट,
एसएन लिख देगा कि नहीं लिख देगा। आइए इस पर हम लोग करते हैं, मजा लेते हैं। यहां पर देखिएगा कि यहां पर तुम्हारे पास एक है, तीन है, पांच है, सात है, ये डॉट 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 डॉट, यहां पर टू एन माइनस वन है। क्या एसएन का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से नहीं बनाए, पांच में से एक किया, यहां पर हो गया एक बटे चार, क्या हो गया? और यहां पर 2n माइनस वन, और यहां पर 2n प्लस वन, और यहां पर आपने एक, और यहां पर घटा दिया यहां पर माइनस वन। अब यहां पर तुम्हारे पास आ गया एक बटे चार, यहां पर 4n स्क्वायर माइनस वन, और यहां पर ये प्लस वन, वन माइनस कट गया, चार से चार कट गया, यहां n स्क्वायर आ गया, आपका ये क्लियर हो गया। तो दिक्कत, अब एक दो प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं एसएन बराबर आपका हो गया एक प्लस दो प्लस थ्री प्लस चार प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पर एन हो गया। यहां पर इसकी तीसरा टर्म यहां पर तीन है, तीन में से एक गया तो एक बटे दो हो गया, यहां एन इंटू एन प्लस वन, और यहां एक माइनस यहां पर आपका जीरो, यानी एक बटे दो एन इंटू एन प्लस वन, यानी एसएन की फॉर्मूला आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए बने रहें।